मेकवी शोभना में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ऐसी मिठाई जो लगभग सबको पसंद होती है, सबकी फेवरेट होती है, वो है काजू की मिठाई। आप काजू की कतली कह सकते हैं, बर्फी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ये लगभग सभी को पसंद होती है। बड़ी आसानी से घर पे बनाएंगे और आज मुझे कहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि ये बहुत टेस्टी होती है, बट मुझे कहना पड़ेगा। आप बनाओगे खाओगे तो खुद जान जाओगे क्योंकि ये सही में बहुत टेस्टी होती है। इसके लिए हम लेंगे 250 ग्राम काजू, 125 ग्राम चीनी, ये रेशो रहेगा। यहाँ काजू का पाउडर कर लेंगे मिक्सी में डाल के, मिल्क पाउडर लेंगे जो बिल्कुल ऑप्शनल है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। काजू को मिक्सी में डाल के इसका पाउडर बनाएंगे। पाउडर बहुत बारीक नहीं बनाएंगे और रुक रुक के मिक्सी चलाएंगे। मिक्सी को लगातार नहीं चलाएंगे, थोड़ी थोड़ी देर चलाएंगे और फिर थोड़े थोड़े काजू को पीस के हम छान लेंगे। बड़ी आसानी से पीस जाते हैं क्योंकि काजू बहुत सॉफ्ट होते हैं, लेकिन लगातार चलाने से उसका पेस्ट जैसा बनने लग जाता है। तो थोड़े थोड़े डालेंगे और थोड़ी थोड़ी देर पीसेंगे, इस तरह से छानेंगे। और ये थोड़ी मोटी छलनी लेंगे छानने के लिए। सूजी के जो दाने होते हैं, सूजी रवा, उससे थोड़े से मोटे दाने होंगे, वही परफेक्ट होंगे काजू की मिठाई बनाने के लिए। क्योंकि ये मिठाई घर पे बनी होती है, प्योर होती है, बड़ी आसानी से बनती है और इसको फास्ट में भी खा सकते हैं या फिर आपका जब भी मन करे कभी भी बना के खा सकते हैं। पूरा प्रिपरेशन में केवल आधे घंटे से ज़्यादा का टाइम नहीं लगता। जो मैंने रेशो बताया है काजू और चीनी का, वो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मीठा भी जितना आपको पसंद हो, चीनी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से पीस के छानने के बाद ये जो पाउडर बनेगा वो मिठाई बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। इन सब चीज़ों का जो नाप है, माप है, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। इन बड़े टुकड़ों को फिर से मिक्सी में डाल के पाउडर बनाएंगे। ये देखिए काजू का पाउडर बनके तैयार हो गया है। तो चलिए मिठाई बनाते हैं। मिठाई बनाने के लिए हम कढ़ाई में थोड़ा सा पानी गर्म करेंगे। एक छोटा सा गिलास है जो मैंने आधा लिया है, 50-60 ml के बराबर पानी होगा। पानी डालने के बाद इसमें हम चीनी डाल लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, सिम पे ही रखेंगे, चाशनी नहीं बनाना है, बस ये मेल्ट हो जाए तब तक इसको पकाना है। इसके बाद हम इसमें काजू का जो पाउडर बना के रख रखा है मिक्सी में डाल के जो बनाया था वो डाल देंगे। मीठा आप अपने पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी रेशो है जो मैंने बताया है कि जितने काजू हैं उससे आधी हमने चीनी ली थी। यहाँ मैंने काजू 250 ग्राम लिए थे और चीनी 125 ग्राम। आप मीठा कम ज़्यादा अपनी पसंद से कर सकते हैं। इसमें हम कोई भी आर्टिफिशियल कलर और फ्लेवर भी ऐड नहीं करेंगे। और मार्केट में तो जो मिठाइयाँ बनती है वो तो सेहत के लिए हानिकारक होती है, तो घर पे ही बनाइए। चीनी मेल्ट हो गई है तो अब इसमें हम काजू का पाउडर डाल देते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देखेंगे कि बिना खोआ मावा के भी घर पे बड़ी आसानी से हम इतनी टेस्टी मिठाई बना सकते हैं घर पे। केवल काजू, चीनी और थोड़ा सा मिल्क पाउडर, इन तीन चीज़ों से ही इतनी परफेक्ट मिठाई बनेगी कि आप ज़रूर बनाइए। और मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर बनाएंगे भी, क्योंकि त्योहारों का सीज़न आ रहा है तो घर पे बनी मिठाई की तो बात ही कुछ और होती है, प्योर होती है ना, इसलिए भी। और काजू की मिठाई तो ऑलमोस्ट सभी को फेवरेट होती है, बच्चे हों बड़े हों कोई भी हो, घर में सबको पसंद आती है। वो पाउडर मिक्स करने के बाद अब हम इसमें मिल्क पाउडर डाल देंगे। तो आपने देखा, सबसे पहले हमने पानी गर्म किया, फिर उसमें चीनी डाली। चीनी जैसे ही मेल्ट हो जाएगी तब हम इसमें काजू का पाउडर डालेंगे। काजू का पाउडर मिक्स करने के बाद इसमें मिल्क पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसके बाद बहुत ज़्यादा देर तक पकाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे ही गाढ़ा होने लगेगा तो समझिए कि बन के तैयार होने वाला है। काजू की मिठाई को हम बिल्कुल सिम पे ही बनाएंगे। अगर मीडियम या हाई करेंगे तो ये बहुत जल्दी जलने लग जाएगा, काजू का पेस्ट नीचे चिपकने भी लगेगा और जलने भी लगेगा, इसलिए हाई भी नहीं करेंगे, मीडियम भी नहीं करेंगे, सिम पे पकाएंगे।
यहाँ मैंने गैस ऑफ कर दी है, लेकिन कढ़ाई तो गर्म है इसलिए थोड़ी देर चलाना पड़ेगा। मुझे मेरी एक फ्रेंड ने कहा था कि वीडियो बहुत फास्ट बनाती हो तो थोड़ा सा स्पीड कम रखा करो, इसलिए आज मैंने नॉर्मल स्पीड पे ही बनाया है। बट थोड़ी सी एडिटिंग और कटवट करने पड़ते हैं जो ज़रूरी है, ऐसा नहीं करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाओगे। ये लीजिए, बातों बातों में मिठाई बनके तैयार हो गई है, बस इसका वेट कर रहे हैं ठंडा होने का। इधर एक प्लेट में हम थोड़ा सा घी लगा लेते हैं, इसमें मिठाई जमाएंगे। थोड़ा सा देसी वाला घी डालेंगे और अच्छे से फिर से मिक्स कर देंगे। अभी मैंने गैस बंद कर रखी है, बस इसको मिक्स करना है क्योंकि कढ़ाई गर्म है और थोड़ा सा चलाएंगे नहीं तो नीचे से जल जाएगा। गैस ऑफ करने के बाद भी थोड़ी देर तक इसको इसी तरह से मिक्स करते रहेंगे जिससे कि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, क्योंकि जैसे ही हम इसको प्लेट में जमाएंगे तो ऊपर से का जो लेयर होता है वो बहुत जल्दी सूखने लग जाता है और हार्ड हो जाता है। तो आपने देखा, दो या तीन चीज़ों से ही हम इस कितनी टेस्टी मिठाई को घर पे बना सकते हैं, इसके लिए मार्केट जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और घर पे जिस कॉस्ट में हम बनाते हैं मार्केट में, तो उससे हमें डबल से ज़्यादा भी पे करना पड़ता है, तो घर पे ही बनाइए। अब इस प्लेट में हम इसको जमने के लिए रख देंगे। क्योंकि घर पे जो हम मिठाई बनाते हैं, कोई भी खाना बनाते हैं, हमें पता है कि उसमें हमने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं डाली है जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। मार्केट में जो चीज़ें बनती है उसमें पता नहीं चलता कि हम वहाँ पर क्या क्या मिलाते हैं, जो हमें खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, बट फिर भी हम खाते हैं। लेकिन जितना हो सके घर पे बनाइए, घर की चीज़ें खाइए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए। अभी बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं और ये मिठाई फास्ट में भी खा सकते हैं, तो आप व्रत में, उपवास में, त्यौहार में कभी भी बना के ज़रूर खाइए। इस तरह से प्लेट में फैलाने के बाद हम इसको लगातार थोड़ी देर ये इस तरह से चलाते रहेंगे, नहीं तो ऊपर पपड़ी बन जाएगी। जो ऊपर का जो लेयर है वो बहुत जल्दी हार्ड हो जाती है, ऊपर का जो सरफेस है वो बहुत जल्दी हार्ड होने लग जाता है, ठंडा होने लगता है तब। तो थोड़ी देर इस तरह से हम इसका लेवल में करते रहेंगे। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब हम इसको काट लेंगे। वैसे तो ये वाली मिठाई मार्केट में डायमंड शेप में मिलती है, बट आपको जो शेप पसंद हो वो काट लीजिए, बिकॉज समटाइम्स शेप डजंट मैटर, टेस्ट मैटर करता है। तो टेस्ट इसका बहुत अच्छा होता है। टेस्ट अच्छा होना चाहिए, शेप से फर्क नहीं पड़ता, मैं तो ऐसा मानती हूँ। बाकी जैसा आपको पसंद हो वैसा काट के बना सकते हैं। ये देखिए, काजू की मिठाई तैयार हो गई है। कितनी जल्दी बनी है, कितनी आसान रेसिपी है। आप लोग बनाएंगे खुद जान जाएंगे, आप लोग खाएंगे तो टेस्ट को भी जान जाएंगे। तो ये आज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस मिठाई को ज़रूर बना के ट्राई कीजिए। क्योंकि ये मिठाई काजू की है तो इसको फास्ट में भी खाया जा सकता है और वैसे भी कभी भी बना के खा सकते हैं। और हाँ, इस मिठाई को डेकोरेट करने की और कोई भी फ्लेवर डालने की भी हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें जैसी होती है उसका टेस्ट हमें वैसा ही बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए हम इसको आज सजाएंगे भी नहीं, ये ऐसे ही बहुत टेस्टी लगेगी। ये देखिए मिठाई कितनी परफेक्ट बनी है, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। इसका जो टेक्स्चर है एकदम परफेक्ट आया है। इसी तरह से हम नए नए वीडियो, नए नए रेसिपी के साथ में आते रहेंगे। आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, वीडियो देखते रहिए, क्योंकि आप जो वीडियो देखते हैं तो मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, शेयर भी ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप मिलेंगे अगले वाले वीडियो में।